हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नंबर एक टॉपिक सबसे पहले काउंटर स्विंगिंग, नंबर दो काउंटर बोरिंग, नंबर तीन स्पॉट फेसिंग, इन तीनों टॉपिक को आपको डिटेल में समझाऊंगा। इनकी क्या इमेजेस है, किस टाइप से आप इन्हें याद कर सकते हैं और इनके टूल्स जो यूज़ होते हैं काउंटर स्विंगिंग काउंटर बोरिंग के लिए, और इसके जो किस टाइप से अक्सर जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के दोस्तों पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे काउंटर स्विंगिंग और काउंटर बोरिंग में दोस्तों कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, DRDO, NTPC, ISRO, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है अक्सर में से जो है एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लस में दोस्तों बैन जो आपका आने वाला बेल आइकन है, साइड में बेल आइकन आ जाता है, उस पर आप जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको जो है दोस्तों मिलता रहे। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है बोलते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो दोस्तों आपने बेल आइकन दबाया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बाकी चैनल में काफ़ी सारी अभी तक वीडियो अपलोड कर दी है, सभी ITI ट्रेड के लिए है, मैकेनिकल ट्रेड की है, इनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है हमारी काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्या होता है, ये आप देखें काउंटर सिंकिंग की डेफिनेशन। इस विधि में पहले से किए होल का मुंह तिरछा बनाना है, जिससे काउंटर सिंक स्क्रू का हेड ठीक तरह से होल में बैठ जाए। अभी आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन में याद रखना है कि यहाँ पे लिखा काउंटर सिंक स्क्रू, काउंटर सिंक स्क्रू का हेड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसकी इमेज पे। तो इमेज निकल कर आती है इस तरह से, और ये हमें दोस्तों इमेज को जो है सॉलिड पीस था, इसको दो पार्ट में जो है बांट दिया गया है, जिससे कि आपको आसानी से समझा सकें। तो इसमें एक ड्रिल किया गया है, ड्रिल करने के बाद इसका जो आप होल देख रहे हैं इसको थोड़ा चैम्पर टाइप का यानी कि टेपर में बेवल बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, काउंटर सिंकिंग स्क्रू निकल कर आता है ये वाला। तो काउंटर सिंक के स्क्रू को आप हेड दे सकते हैं इस तरह से, जो है बेवल राउंड में होता है, तो ये बेवल करके बनाया गया इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा टेपर में। तो होल को भी हम टेपर बना देते हैं, क्योंकि जिससे कि इसका हेड ऊपर ना रह जाए। जब ये फ्लैट रहेगा तो हम कोई भी काम जो है आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी मशीन होती हैं जहाँ पे हमें होल को जो है या जो होल बनाते हैं उसके जो ऊपर उसका हेड स्क्रू आ जाता है, तो उसको बैठाने के लिए नीचे टेपर बनाने के लिए, बिल्कुल फ्लैट बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम काउंटर सिंकिंग कर देते हैं काउंटर सिंकिंग स्क्रू के लिए। काउंटर सिंकिंग स्क्रू के लिए काउंटर सिंकिंग जो है हमारा की जाती है, काउंटर सिंकिंग की जाती है काउंटर सिंक स्क्रू के लिए, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इसका जो कौन सा टूल होता है वो ये वाला दोस्तों टूल होता है। इस टाइप से और भी टूल हो सकते हैं, तो ये काउंटर सिंकिंग ड्रिल है। तो यहाँ पे हम इसका जो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, इसका प्रयोग करते हैं हम काउंटर सिंक करने के लिए। तो काउंटर सिंकिंग इससे आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो काउंटर सिंकिंग स्क्रू है उसके हेड को आसानी से बैठाया जा सके। तो ये दो पार्ट में हमने इमेज बनाई है, जिससे कि आपको समझा सके। बाकी आप इसको जब जोड़ देंगे आपस में, तो हमें जो होल एक ऊपर से थोड़ा टेपर लगेगा, बाकी नीचे से हमारा राउंड में होगा, सीधा होगा। तो ये होगा हमारा काउंटर सिंकिंग की डेफिनेशन, ठीक है। इस तरह से आप इसे आप अपनी वीडियो अपनी जो है नोटबुक में लिख सकते हैं और इसे इस टाइप से याद कर सकते हैं और आसानी से आपको याद हो जाएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन किस टाइप से इसका पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या निकल कर आता है। कि क्वेश्चन एक निकल कर आता है, फर्स्ट, छिद्रों के सिरों को प्रवणित बेवल्ड करने के प्रक्रम का नाम है। तो ऑप्शन ए में आपको काउंटर बोरिंग मिल जाएगा, ऑप्शन बी में काउंटर सिंकिंग, ऑप्शन सी में स्पॉट फेसिंग, और ऑप्शन डी में है रीमिंग। तो अब हमें यहाँ पे क्या अपना आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखना आपको बेवल्ड, बेवल्ड एक जो है बेवल्ड याद रखना है कि क्या होता है। तो वहाँ पे हम काउंटर सिंकिंग इसका आंसर लगा देंगे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, काउंटर जो हम बेवल्ड करते हैं किसी चीज़ को, किसी होल को, तो वहाँ पे काउंटर सिंकिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या निकल आती है वो भी आप देखें, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्या होती है, चलिए इसकी डेफिनेशन चलते हैं। सबसे पहले हम काउंटर बोरिंग की, तो काउंटर बोरिंग की डेफिनेशन आप देखें, इसमें काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके पहले से किए होल को कुछ गहराई तक बड़ा करना, वह सॉकेट हेड वाले स्क्रू या बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। इसमें जो दो डेफिनेशन दोस्तों हमने बना दिया है, आप चाहे तो इसे यहाँ से याद कर सकते हैं, या आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, सॉकेट हेड वाले स्क्रू या बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। इसकी इमेज देखें सबसे पहले आप, ये आप देखें दोस्तों, इमेज को दो भागों में बांट दिया गया है और बीच में से काट दिया गया, जिससे कि आपको समझा सकें। तो यहाँ पर हमने होल किया, होल करने के बाद ऊपर से जो इसका हमारा जो डाया है उसको हमने थोड़ी गहराई तक बड़ा कर दिया गया। क्यों करा है वो भी आप देखें। ये दोस्तों हमारा जो है सॉकेट हेड वाला स्क्रू है, जिससे कि इसका हेड जो है हमारा इसके अंदर बैठ सके। क्योंकि दोस्तों हम कोई बहुत सी मशीन ऐसी होती है जहाँ पर जो है स्क्रू को हमें बिल्कुल फ्लैट राउंड जो टेपर में मतलब अंदर लगाना पड़ता है, तो ऐसे जो है इनको गर्भ स्क्रू भी बोला जाता है, कि ये मशीन के अंदर रहते हैं, ऊपर नहीं दिखाई देते। तो वहाँ पे हम काउंटर बोरिंग करते हैं, ये हमारा काउंटर जो हमारा सॉकेट हेड स्क्रू है, तो इसके हेड को बैठाने के लिए काउंटर बोरिंग की जाती है। आप इसकी इमेज याद रखें, इमेज भी आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा।
तो इसके बाद इसका टूल कौन सा होता है, टूल देखा दोस्तों, ये हमारा काउंटर बोरिंग टूल है जिसकी सहायता से हम काउंटर जो है बोरिंग करते हैं और होल में जो है उस होल को जो थोड़ा सा गहराई तक, कुछ गहराई तक बड़ा करने की क्रिया को काउंटर बोरिंग कहते हैं। आप इसकी जो डेफिनेशन है याद रखें। और इसके हेड जो हमारा स्क्रू देख रहे हैं आप, इसको जो है इसके अंदर बैठ जाता है, बैठने के बाद हमारा जो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ऊपर से। तो काउंटर बोरिंग की अपने आपको डेफिनेशन जो है क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा कर काफ़ी बार पूछा जाता है एक्शन में, क्वेश्चन में, एग्जाम पेपर में। तो इसका क्वेश्चन देखें, किसी छिद्र के अंत में सॉकेट हेड को बैठाने को लगाने के लिए उसे बड़ा करने की प्रक्रिया को जो क्या नाम है, प्रक्रिया का नाम क्या है। अब ऑप्शन देखें, काउंटर बोरिंग दिया गया है और बी में दिया काउंटर सिंकिंग, सी में स्पॉट फेसिंग और डी में रीमिंग दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमें दोस्तों सॉकेट हेड, सॉकेट स्क्रू हेड, सॉकेट स्क्रू के हेड को बिठाना है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ हमें काउंटर सिंकिंग स्क्रू था, यहाँ पे सॉकेट हेड स्क्रू को बिठाना है। तो यहाँ पे हम करते हैं दोस्तों काउंटर बोरिंग। ये आपको बिल्कुल दोस्तों इसकी डेफिनेशन याद रखें, डेफिनेशन याद रखें कि, तो ये आप इसका को जो है क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है सॉकेट स्क्रू हेड, ठीक है। वहाँ हमारा था, तो वहाँ पर हमारा अलग था। तो यही एक मेन होता है पॉइंट कि हमें स्क्रू काउंटर सिंक स्क्रू बोला है या काउंटर जो हमारा जो सॉकेट हेड स्क्रू बोला है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा सिंपल हो जाएगा ए, बोरिंग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों स्पॉट फेसिंग की। स्पॉट फेसिंग क्या होता है ये आप देखें सबसे पहले। तो ढलाई किए हुए जॉब में होल करने के बाद उस होल को, होल की ऊपरी सतह या बोर के फेस पर समतल सतह बनाने के लिए स्पॉट फेसिंग की जाती है। तो कोई भी हमारा होल होता है उसको बिल्कुल ऊपर से फिनिश करने की क्रिया को या लेवल में लाने की क्रिया को हम जो है स्पॉट फेसिंग कहते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से निकल कर आता है। तो क्वेश्चन निकल कर आता है स्पॉट फेसिंग क्रिया में खालिस्तान प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए में आपको रीमिंग मिल सकता है, बी में काउंटर सिंकिंग मिल सकता है, सी में फ्लाइट कटर्स मिल सकता है और डी में लेथ टूल मिल सकता है। तो फ्लाइट कटर जो होते हैं हमारे, उसके द्वारा जो है हम स्पॉट फेसिंग करते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, जब भी हम कोई ढलाई द्वारा कोई भी होल बनाते हैं तो उसको ऊपर से फिनिश करने के लिए स्पॉट फेसिंग की जाती है। इसको हम मशीनी से कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा स्पॉट फेसिंग होता है। तो मैंने आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर बता दिया है स्पॉट फेसिंग के बारे में, और यहाँ मैंने आपको बताया था इसका क्वेश्चन, और ये हमारा काउंटर बोरिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने आपको दोस्तों बताया था नेक्स्ट जो है बीच में, काउंटर बोरिंग हमने आपको बता दिया क्लियर, और काउंटर सिंकिंग हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया गया है। इसी टाइप से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने हमारी वेबसाइट विजिट नहीं करी है infotech.in, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो है टेस्ट सीरीज डाल दी गई है, जो कि आपके जो रेलवे का एग्जाम हो, DRDO, NTPC, जो भी आपका टेक्निकल एग्जाम होता है उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारी जो टेस्ट सीरीज उसमें डाल दी है, आप उसको जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। और चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो अभी तक जो है अपलोड कर दिया है, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।